आज आप लोगों के सामने मैं आया हूँ बड़े दिनों बाद और इन दोनों की बेहद फरमाइश से और काजम नैयर साहब जो है वो आराम फरमा रहे हैं और आज जो हम जिस पे वीडियो करने जा रहे हैं वो है शहनाज गिल की एक म्यूजिक वीडियो जिसके बारे में बताएंगे आपको बताएंगे शहनाज गिल का एक न्यू सॉन्ग जो कि आज ही रिलीज हुआ है जिसका नाम है कह गई सॉरी और किसको गाया मुकम्मल किसने गाया मुकम्मल खूबसूरत ये है जस्सी गिल ने बिल्कुल गाया और जस्सी गिल के अकाउंट भी डला हुआ है तो ये इसका एक टीजर भी आया था जो कि हमने नहीं देखा हमने वैसे देखा था और हमने उस पर आपको नहीं दिखाया था बिल्कुल ऐसा ही हुआ था लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चलूं कॉफी जो होती है कॉफी जो सब पीते हैं उसके तो सारे लोग ही शौकीन होंगे सिवाय मेरे मैं नहीं पीता मैं हूं और आप तमाम लोग भी हैं बिल्कुल तो कॉफी से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखनी हो कॉफी कैसे बनती है क्या होता है और भी तरह तरह की कॉफी एक उसका एक प्रॉपर एक चैनल बना हुआ है जिसका नाम है JR कॉफी और वहां आपने जाना है उसको जाके फिर सब्सक्राइब करना है नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है और साथ में उनकी सारी वीडियोस देखी है मैंने भी देखी थी बहुत अच्छी वीडियोस वो बना रहे हैं तो प्लीज कॉफी बनाना भी सिखा रहे हैं बिल्कुल सिखा रहे हैं अरे कॉफी ही बनाना सिखा रहे हैं तो जाके जरूर उनको सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे पहले देखते हैं वीडियो फिर सबसे पहले मेरा टाइम से माड़ा मामा दिल तो से माड़ा मेरा टाइम से माड़ा मामा दिल तो से माड़ा ओदा हाथ पड़दा भूल गया खुद तू ही उन्होंने कोई ऐसा मिले जो खाबा का भी मुल पाए मैं ओले सीधी पागल जी माना ओनु रोकन की कोशिश खूबसूरत लगे बढ़िया बढ़िया बहुत भाई मजा आ गया मुझे तो सुन के
और सबसे अच्छी चीज जो लगी वो मुझे लगी कि जो वीडियो उन्होंने एक बनाई हुई है लॉकडाउन के होते हुए भी इतनी अच्छी उन्होंने वीडियो बना दी। बात तुमने मेरी काट दिया तो लॉकडाउन के होते हुए बड़ी अच्छी वीडियो नहीं। दूसरी बात ये कि मुझे जो लगा तमाम जो भी मैंने पंजाबी सॉन्ग सुने हैं तो वो ज्यादातर पंजाबी समझ आ जाती है लेकिन उसमें फील भी नहीं होता, कहना नहीं चाहिए, खैर जिनको पंजाबी आती है उनको तो पता होगा, लेकिन इस गाने में फील भी था, म्यूजिक भी बहुत अच्छा था और सुनने भी मजा आया और हर अल्फाज इतना सादा था कि समझ आ रहा था पंजाबी के होते हुए। जिन पंजाबी आंधी है उनको तो बताओ ऐसा ही कुछ होगा ना, क्या मुझे आज हिंदी में कैसे बोलेंगे हिंदी, जिन्हें के पंजाबी समझ में अच्छे थी उनके अच्छे समझ में चलो। लेकिन बात करते हैं शहनाज गिल की। शहनाज गिल जो कि हमारे यहाँ इधर इधर बसती है तो उनकी वीडियो का हमें काफी इंतजार होता है और काजिन को भी काफी इंतजार था, आज वो आया नहीं तो कुछ काम कर रहे हैं बैठ के, लेकिन हमें सॉन्ग तो करना था भाई, सॉन्ग तो ये जरूरी था देखना हमारे लिए, हमसे क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि तो आज भी नहीं आ रहा था, ये भी नहीं आ रहा था, इसने बड़े नखरे किए आज हमारे साथ आने में, लेकिन जब हमने इसको बताया गया शहनाज गिल का तो जाना पड़ेगा, चलो आता हूँ। नहीं सारी बात अपनी जगह, लेकिन ये हमारा अपना चैनल है और मैं हूँ या गाजिम हूँ या ये लोग हूँ या हम में से कोई एक भी हो तो चैनल हमारा है, आप लोग भी हमारे हैं तो इसी बात पे जाके सब्सक्राइब जरूर कर दें जो नए लोग देख रहे हैं और जो पहले से देख रहे हैं हमें वो चाहे अगर फजूल टाइम थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है कि इनको बहुत अच्छा खासा ज्ञान मिला है तो बड़ा मुश्किल होता है इधर उधर से आगे जमा होकर वीडियो करना स्टूडियो में। तो बात करते थोड़ी जैसी गिल के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका जो आवाज है और जो ट्यून थी कितनी मतलब कैसी लगी आपको? जैसी गिल तो मैंने अभी बताया ना पंजाबी सॉन्ग में ज्यादातर जो होता है वो रैप और ये दूसरे पॉप म्यूजिक ज्यादा होते हैं पंजाबी में, पंजाबी हम लोगों के सर पे से गुजर जाती है लेकिन ये वाली पंजाबी का सर पे टकराई है, बिल्कुल समझ में आ रही थी, बिल्कुल स्लोली था और हमें बहुत अच्छा लग रहा था और रिदम और ट्यून बहुत अच्छी कंपोजिशन थी और बहुत अच्छा गाया है इन्होंने, बहुत अच्छा गाया जैसे दिल में समा जाने वाली जो आवाज एक अच्छा समझ में आ रहा था, बहुत अच्छे अंदाज से इन्होंने ये गाना गाया और जैसा कि एंड में बोला उन्होंने शहनाज गिल और जस्सी गिल ने कि भाई वीडियो होगी आगे उस पर भी जब वो वीडियो आएगी तो हम लोग उस पर भी रिएक्शन देंगे, तो ओवरऑल मुझे तो बहुत मजा आया इस वीडियो पे। 3 मिलियन 3.5 मिलियन व्यूज हैं, कम है मेरे लिहाज से, क्यों कम है मुझे नहीं पता, लगे इतना अच्छा कोई सॉन्ग आया है तो इस पर ज्यादा होने चाहिए थे, क्यों कम हजूर है ये बात तो है, लेकिन यार दरअसल मसला ये है कि लोग अक्सर ज्यादातर वीडियो देखना पसंद करते हैं और फिर शहनाज गिल की वीडियो तो कौन देखना नहीं जाएगा, तो मेरे ख्याल से अगर इसके व्यूज कम है तो वो पिक्चर्स की वजह से जो उसमें पिक्चर पे मतलब वीडियो चल रही है यार, तो एक चीज मुझे भी ऐसी लग रही है फराज जो तुम बात कर रहे हो सही कह रहे हो किसी हद तक अच्छी है और लेकिन ये जो मुझे पता नहीं है इस बारे में जो जैसी गिल का जो पेज जो यूट्यूब चैनल है इसके सब्सक्राइबर कम है, मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन कम सब्सक्राइबर्स कम होने से कोई मसला ज्यादा नहीं होता, बात ये कि उसके अंदर मौजूद शहनाज, ये बात है ना शहनाज गिल देखने वालों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये सब्सक्राइबर की बात नहीं कर रहा ना, अगर तुम्हें कम लग रहा है तो इनका चैनल सब्सक्राइब कर देना लाजमी, ये मैंने सब्सक्राइब कर दिया बस। ये बात ये ट्रेंड पे चल रहा है ये सॉन्ग और बात यही है कि इसमें शहनाज गिल है और हमें हमारे दिल में रहती, तो आप लोग प्लीज जाके अभी एक मैं चैनल का नाम लेने वाला हूँ उसको जाके आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, JR कॉफी उनका चैनल का नाम है, बहुत अच्छी कॉफी से रिलेटेड सारी आपको वीडियोस मिलेंगी, तो प्लीज गाइड वुड सब्सक्राइब कर नहीं पा रहे ना अभी लॉकडाउन की वजह से, तो इसी के साथ आप लोगों से देते हैं इजाजत, हमारा एक इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ जाइए आप, वहाँ पे आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ब्रोज नेशन के नाम से है और अपना इंस्टाग्राम मेरा इंस्टाग्राम
और शायद आपने से भी किसी को एक आध को तो याद होगा ही कोई पुरानी वीडियो से बाकी आप लोग बता उसी वक्त हो सकता है बाद में ना बता पड़े चेहरा देख के मैं याद आ जाता है मेरा है ऑन रिजवी और मेरा है मुकम्मल अंडरस्कोर खूबसूरत सो यू गाइस वर वाचिंग ब्रोज रिएक्शंस माय नेम इज ऑन रिजवी हिज नेम इज अली रजा एंड हिज नेम इज मुकम्मल खूबसूरत गुड बाय